उन्होंने कहा कि हाँ भाई बल भाई से तो हुक्म भी हो चुका है, अब या के तरफ सला का नाम तुम सुखाया भी हो चुका है, अब हुक्म आया कि नमल खम वल मैसी वल अंसाब वल अजनाब रिज्सुन मिन आदम शैतान, ये शराब ये जुबा ये पासे ये फाल निकालना ये शैतानी अमल है, ये रिज्स है, ये गंदगी है, फजतनी वो उससे बच जाओ। जब ये हुक्म आया तो सहाबा इकराम की ये कैफियत थी, घरों के अंदर की शराब थी, अब तो घरों के अंदर नहीं रही, वो शराब बाहर नालियों में उधेड़ दी गई, वो बर्तन तोड़ दिए गए। अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह के रसूल ने देखा, अल्लाह के इस हुक्म के आते ही सहाबा ने शराब वाले बर्तन भी तोड़ दिए, शराब भी बाहर गई थी। ये हुक्म था, ये खूबी थी कुरान की। मैं कभी सोच रहा हूँ ये हुक्म जो कुरान कहता है कि शराब ये जुए ये पासे ये फाले ये लाठिया ये वो चीजें हैं, रिक्सों गंदगी है, मिन अमल शैतान शैतान के काम है, फजतनीबु इससे बचो इससे दूर हो जाओ। कुरान कहता है फजतनीबु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम्हारी कामयाबी का दारो मदार ही इस पर है, शराब तुमसे दूर हो, तुम शराब से दूर हो, जुआ तुमसे दूर हो, तुम शराब तुम जुए से दूर हो। ये जुए ये जोकी कलर ये घोड़े खेलना ये मुसलमान की शान नहीं, ये मुसलमान नौजवान की शान नहीं। मुसलमान नौजवान अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करता है। जो लोग इसके अंदर पड़ जाते हैं, शराब भी जुआ भी, न वो बाप का एहतराम कर सकता है, न वो माँ का एहतराम कर सकता है। जो नौजवान न माँ का एहतराम कर सके न बाप का एहतराम कर सके वो अल्लाह के रसूल का भी एहतराम नहीं कर सकता। जो अल्लाह के रसूल का एहतराम नहीं कर सकता वो अल्लाह का एहतराम नहीं कर सकता। जिसके दिल में अल्लाह के हुक्म का एहतराम ना हो वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने इज्जत के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। इसीलिए एक दूसरे के साथ मुतालिक है। आज का बाप परेशान है अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा किस रवश पे किस लेवल पे चल चुका है। आज गुनाह की दावत कदम कदम पर नौजवान को मिल रही है। भाई मुसलमान की पहचान यही है, ये मस्जिदें किस लिए बनाए, ये मदरसे किस लिए बनाए, आपकी मेरी तरबियत के लिए बनाए, नौजवान की तरबियत के लिए बनाए। ये इसके अंदर काफिर ने आके तरबियत नहीं पानी, मुसलमान बच्चे ने आके यहाँ से तरबियत पानी है। ये कुरान के खत्म का ये तरावीह का इंतजाम क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है नौजवान बाहर के माहौल से बचे यहाँ पे आए। जब ये रूहानियत के माहौल के अंदर आएगा, अल्लाह की रहमतों के माहौल के अंदर आएगा, उसके अंदर गैरत भी आएगी, बड़ों की इज्जत और एहतराम का मादा भी आएगा, और उसके अंदर दीन की मोहब्बत का मादा भी आएगा। जिसके अंदर दीन की मोहब्बत आ गई उसको बाहर के माहौल में अट्रैक्ट नहीं करना, वो बाहर के माहौल से बच जाएगा। जो बाहर के माहौल से बच के मस्जिद के माहौल के अंदर आ गया उसकी दुनिया भी बन गई उसकी आखिरत भी बन गई। इसीलिए आज जरूरत है सबर की। कुरान बार बार कह रहा है, किस अंदाज से कह रहा है, कुरान तरबियत करने वाला सबसे बड़ा मुरब्बी है। अलम याकिन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कुरान दावत दे रहा है क्या अभी वो वक्त नहीं आया। मैं नौजवानों से पूछ रहा हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी में वो वक्त नहीं आया कि तुम अकल को इस्तेमाल करो, क्या वो वक्त नहीं आया तुम अपने बूढ़े बाप को देखो, क्या वो वक्त नहीं आया तुम इन मस्जिदों के वजूद का देखो, इन मस्जिदों का वजूद तुम्हारे से तुम्हारे आने से आबाद होगा। अगर तुम भी सैनवा की जीनत बन गए, तुम भी जो कि कलब के अंदर मसरूफ हो गए, तुम भी कलबों के अंदर जाने लगे, तो इन मस्जिदों को आबादी के लिए हम किसको पुकारें, हम किसको कहेंगे। आज का नौजवान अगर नहीं आएगा तो हम किसी काफिर से और किसी गैर मुस्लिम से तवक्को नहीं रख सकते। उन गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद की तरफ ले आने वाला ये नौजवान हो सकता है, ये सरमाया है। इसलिए ये नौजवान पहले मस्जिद से ताल्लुक जोड़े। आज बाप परेशान है, माँ परेशान है, बच्ची के लिए परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है। अलम याकिनिल्लज़ीना आमनू कुरान दावत दे रहा है, भाई वो वक्त नहीं आया जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, उसकी किताब की तरफ रुजू करो। कहते हैं फुज़ैल इब्न इय्यास एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ा नाम है, डाकू डाला करते थे, चोरियां किया करते थे। एक दिन एक प्लान किया, एक प्रोग्राम बनाया, आज इस घर के अंदर नकब लगा के इस घर के अंदर से माल ले आऊंगा। चुनाचे रात के वक्त है, तन्हाई का आलम है, खामोशी का दौर है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई लाइटिंग का निजाम नहीं, खामोशी है। उस खामोशी के माहौल में
तहज्जुद का वक्त है, ये दीवार पलांग रहे हैं, दीवार पलांग रहे हैं, घर से आवाज आती है, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है।